अगर आप सेलुलर जेल घूमने आते हैं तो सेलुलर जेल के टिकट का फेयर है ये। आज हम आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर का सेलुलर जेल दिखाने जा रहे हैं, जिसके नाम पे अंडमान का नाम काला पानी के नाम से जाना जाता था। इस जेल में जितने भी कैदी बंद थे वो किसी न किसी शक्ल में फ्रीडम फाइटर थे, जिनका योगदान था देश को आज़ादी दिलाने के लिए। इसीलिए उनको इस जेल में रखकर यातना दिया जाता था। सलाम है ऐसे वीरों का। आप देख सकते हैं ये वीर सावरकर पार्क है जो जेल के सामने बना हुआ है। 4 जुलाई 1911 को सावरकर जी को इस जेल में लाया गया था, जिनके यादगार में ये पार्क बनाया गया है। सेलुलर जेल का एंट्री पॉइंट। आप देख पा रहे हैं सेलुलर जेल का अंदर का तस्वीर। इस जेल में न जाने कितने भारतीयों का जो आज़ादी की मांग उठा रहे थे उनको यातना दिया गया था। उनके यादगार में ये सामने देख पा रहे हैं ये स्तंभ बनाया गया है। जब जेल को बनाया गया था तब इसको बनाने में लगभग 5,17,000 रुपये का खर्च आया था। दोनों शाखाओं के बीच में जो आप स्तंभ देख रहे हैं, ये सभी 7 शाखाओं के बीच का स्तंभ था, जिस स्तंभ से सभी शाखाओं पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश सैनिक यहाँ से नज़र रखते थे। ऐसी 7 शाखाएँ थी जो ऑक्टोपस के 7 पैरों जैसे थी, इसलिए इसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। सभी शाखाओं में 3 फ्लोरें थी, देख सकते हैं आप 3 फ्लोर हैं। पूरे 7 शाखाओं को मिला के टोटल 696 सेलें थी। सेलुलर जेल का कंप्लीट मॉडल आप देख सकते हैं। इसमें 7 शाखाएं हैं जो ऑक्टोपस के 7 पैरों जैसा है, देख सकते हैं 7 शाखाएं हैं टोटल। पहले 7 शाखाएं थी लेकिन 4 शाखाएं टूट गई हैं, अभी 3 शाखाएं बची हुई हैं। देखिए ये एक शाखा है, दूसरा ये और तीसरा ये 3 शाखाएं बची हुई हैं। बाकी 4 शाखाएं टूट गई हैं। सेलुलर जेल की शाखाओं में जो सेल बनी हुई हैं उनमें से एक सेल का हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं सामने एक खिड़की लगी हुई है जिसके द्वारा प्रकाश आया करता था। अभी तो यहाँ पे आप जो लाइट देख रहे हैं ट्यूबलाइट की लाइट है। इस सेल की चौड़ाई 2.7 मीटर और लंबाई 4.5 मीटर है। देख सकते हैं आप इस खिड़की के द्वारा प्रकाश आया करता था। पनिशमेंट रूम आप देख सकते हैं। लटकाने के लिए हुक बना हुआ है, ये पनिशमेंट रूम था। आप जो सेल देख रहे थे वो ग्राउंड फ्लोर था, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। सभी फ्लोर के आगे पूरा लंबा सा बालकनी था, जिनमें जो बंदी बना के लाए गए थे उन पे ब्रिटिश सैनिक निगरानी किया करते थे। देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर की तस्वीर है, ये बालकनी है। अभी हम आपको सेकंड फ्लोर पे दिखाते हैं। सभी फ्लोर एक जैसे ही थी और सभी सेल भी एक जैसी थी। टोटल 696 सेलें थी जो एक जैसी थी, सेम आकार की। आप जो बालकनी देख रहे हैं इस बालकनी के द्वारा सेल पे ब्रिटिश सैनिक नज़र रखते थे। देख सकते हैं सेल के अंदर की तस्वीर, केवल खिड़की है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सभी सेल एक जैसे थी। सातों शाखाओं के बीच में जो स्तंभ था उस स्तंभ के ऊपर का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ये फर्स्ट शाखा है और ये सेकेंड शाखा है और ये तीसरा शाखा जो बचा हुआ है। ये सामने आपको हॉस्पिटल दिख रहा है, पहले जहाँ पे 4 शाखाएँ थी अभी ये हॉस्पिटल है। सामने जो आइलैंड दिख रहा है आपको, ये रॉस आइलैंड है जिसका नाम अब सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है। आप फांसी घर देख सकते हैं, ये फांसी घर है, जेल का फांसी घर जिसमें 3 फंदा डला हुआ है, जिसमें 3 लोगों को एक साथ फांसी दिया जाता था। देख सकते हैं आप इसके साइड में एक लीवर लगा हुआ है, देखिए ये लीवर है। लीवर खींचने पर नीचे की 3ों गेट खुल जाती थी एक साथ।
आप जो फांसी घर देख रहे थे उसके नीचे का वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं हम सीढ़ियों से नीचे आ चुके हैं। देखिए फांसी घर के नीचे कैसा है। यहाँ पर ऊपर में तीन गेट है, तीनों गेट लीवर खींचने के बाद खुल जाया करती थी और इसमें हमारे सेनानियों को लटका दिया जाता था। अंग्रेज़ों का मानना था कि फांसी घर जो है किचन के बगल में रहेगा तो लोगों के मन में डर बना रहेगा, जो यहाँ पर हैं उनके मन में डर बना रहेगा, इसलिए ब्रिटिश वाले किचन के बगल में फांसी घर बनाए थे। उसके बगल में ही किचन है, देख सकते हैं यह किचन है जो फांसी घर के जस्ट बगल में ही किचन है। जो यहाँ पे व्यक्ति रहते थे उनके लिए यहाँ खाना बनता था, जो जेल में बंद थे उनके लिए ही केवल। जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ बंद थे उनको इस प्रकार की हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी हाथों और पैरों में। उनको फ्रेम पे खड़ा करके कोड़े बरसाए जाते थे, ये फ्रेम है, और पनिशमेंट के तौर पे नारियल निकाल कर उससे ऑयल निकालना पड़ता था। देख सकते हैं ये ऑयल मिल है, ऑयल मिल से ऑयल निकालना पड़ता था पनिशमेंट के तौर पे। ब्रिटिश वालों का ऑफिस का बाहर का तस्वीर है ये। यहाँ पर जितने फ्रीडम फाइटर बंद थे उनका नाम यहाँ के जेलों के दीवारों पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं दीवार पे ये लिस्ट लगा हुआ है जिनका नाम है, जहाँ जहाँ से वो लाए गए थे उनका स्टेट प्लस उनका नाम लिखा हुआ है। वो कहाँ कहाँ से किस किस जेल से लाए गए थे उस जेल का नाम और उनका नाम लिखा हुआ है। Thank you.